औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज 12 दिसंबर 2016 है। मैं आपको बयान ये करना चाह रहा हूँ, हिंदुइज़्म, मुसलमान, यहूदी और ईसाई सब एक हैं, और इनको एक करने के लिए भगवान शिव यानी महादेव अवतरित हो चुके हैं, काम पर लगे हुए हैं, क्योंकि ये जाहिलों का दौर हो गया है। यहाँ पर लोग पढ़े लिखे तो बहुत हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, तो कोई बम बनाता है, तो कोई रॉकेट बनाता है, तो कोई हाइड्रोजन बम बनाता है, तो कोई एटम बम बनाता है, तो कोई बड़ा डॉक्टर है, किसी की जान बचाता है, तो कोई वेटनरी डॉक्टर है, तो कोई बहुत बड़ा बिल्डर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़े बड़े ब्रिज बनाता है। अकल तो बहुत है, लेकिन होली बुक्स के जाहिल हो गए हैं, यानी वेदों के, पुराणों के, हदीस कुरान बाइबल के जाहिल हो गए हैं। वो इल्म, मतलब इल्म उसका नहीं रखते परफेक्ट, रखते भी हैं तो उसको फॉलो नहीं करते। इसका सबूत देखिए आप, हर धर्म में बेहयाई को मना किया गया है। कपड़े मालिक ने, महाविष्णु ने कपड़े उतारे कॉटन की शक्ल में, चमड़े की शक्ल में, पत्तों की शक्ल में, ताकि वो अपने जिस्म को ढांपें, ठीक है। लेकिन वो अपने जिस्म को बतलाते फिरते हैं, नंगे घूमते हैं आधे, तो ये उनकी जहालत है। ये बात तो बाइबल में भी लिखी हुई है कि अपने शर्म हया की हिफाजत, शर्म हया रखना है। ये बात इस्लाम में भी है और यही बात हिंदुइज्म में भी है। गांवों में अक्सर मैं हिंदुइज्म में जाकर देखा हूँ, हिंदुज़ में कि बड़े बड़े से पर्दा लगा कर जाती हैं औरतें, अच्छी हो, खूबसूरत हो, कैसी भी हो, लेकिन वो खूबसूरत हैं अपने कर्म से। ऐसी औरतें आप देखिए, माता की कितनी इज्जत करते हैं, बहन की कितनी इज्जत करते हैं, लेकिन वही बात आप देख लीजिए, आज पाप इतना बढ़ गया है कि सगा भाई बैठकर अपनी बहन का नंगा पन किसी दूसरे मर्द के साथ देखता है, अपना ही खुद बाप बैठकर अपनी ही बेटी का नंगापन दूसरे के साथ देखता है फिल्मों में। अब आप बताइए, वो जो हीरोइन है किसी की बेटी है, वो जो हीरोइन बनी हुई है वो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसी को सोसी के माया बहन, भाई बहन, जिसको जिसका बराबर आंचल भी देखना सही तरीके से नहीं है, जायज़, उसको बैठकर नंगा पन करते हुए देखते हैं। ये है कलयुग, तो ये है जहालत, कितना बड़ा महापाप है ये, ज़रा सोचिए। ये महाविष्णु यानी अल्लाह यानी ओम यानी निर्गुणा ब्रह्मा जिसका नाम है, जिसका नाम अल्लाह है, जो एक है, उसके कानून के खिलाफ काम हो रहा है, ये जहालत है। और अगर आप देखें, आज सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, हर तरफ जुआ आम हो गया है, बुराई आम हो गई है, जबान पर आती है तो पहले बोलते थे हरी 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 बोलते थे, यानी उस अलमालिक का, महाविष्णु का नाम लेते थे, हरी ओम हरी ओम करते। मुसलमान है तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते थे। ईसाई हैं तो ओ ओ मालिक, याहवे याहू बोलते थे। लेकिन आज तेरी माँ की, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी माँ का, तेरी बहन का, एक उनका तकिया कलाम हो गया, गुस्सा आते ही शिट करते हैं। शिट मतलब गोबर, यानी फुजला, यानी जानवरों का निकला हुआ या इंसानों का निकला हुए वेस्ट को कहते हैं शिट। ओ शिट करते हैं, क्या मतलब, बहुत अच्छी बात कर दी उसने, क्या लड़की है, ओ शिट कहा उसने, ओ शिट, आम हो गई बात। अब आप जिसकी जबान पर ही गंदगी आ गई, उनका पूरा रूप चाहे कितना ही अच्छा हो, वो कितने गंदे हैं ज़रा देखिए, जिसकी जबान ही गंदी हो गई और उसको खुद नहीं मालूम कि वो क्या बोल रही है, ये क्या बोल रहा है, और दूसरा उसको फॉलो करता है। कोई नंगा नाच लिया तो बोला तू इतना नाचा, देख मैं कितना नाचता हूँ नंगा, पैसे के लिए ये भी नाच रहा है, वो भी नाच रही है, ये है जहालत। तो ये हो गया कलयुग। अब इसमें आकर कोई अगर अच्छी बात कहेगा, उस धर्म की बात को साबित करेगा, तो वो हो गया पागल, जैसे मैं। पागल आज के दौर में
ऐसे आदमी को पागल कहा जाएगा, क्योंकि वेदों को, पुराणों को, कुरान को, हदीस को लोगों ने पूरा समझा नहीं, समझा है तो उसको माना नहीं, माना है तो उसको पहचाना नहीं, पहचाना है ना ही है तो उसको अमल ही नहीं किया उसने। इसीलिए हर तरफ पाप बढ़ गया है, झगड़ा हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मुसलमान लोग हैं ये तबलीग क्यों करते हैं। मैं आप लोगों को हिंदूज में बता रहा हूँ, हिंदूज नफरत करते हैं मुसलमानों की तबलीग से, एक पॉइंट। दूसरा, हिंदूज नफरत करते हैं मुसलमानों के मार काट कर देने से, दो पॉइंट। तीसरा, हिंदूज कहते हैं कि हर इंसान में भगवान है, हर इंसान में रूप है, सबकी पूजा करते हैं, लेकिन मुसलमान जो है मूर्तियों के खिलाफ बात करते हैं, हिंदू में हिंदूस के जितने भी तस्वीरें हैं उनके खिलाफ बात करते हैं, बदतमीजियां करते हैं मुसलमान। ये तीन बड़े इल्ज़ाम हैं। चौथा, मुसलमान जो है गाय को भी काटते हैं, बकरे को भी काटते हैं जो महापाप करते हैं, ये अच्छा नहीं है। समझ में आ गई बात? अब इसके जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। ये वजह से मुसलमानों के दरमियान और हिंदुओं के दरमियान एक झगड़ा शुरू से रहा है, तो वो क्यों है बता देता हूँ। मुसलमान कहते हैं कुरान को मान, हदीस को मान, मुसलमान हो जा, नहीं तो हम मार देंगे। औरंगजेब ने ऐसे ही किया, कई लोगों को ख़त्म कर दिया उसने, तो ये क्यों किया? क्या ये धर्म मालिक चाहता है ऐसा करना? मैं आपको बताता हूँ, महाविष्णु ने कहा है कि तू किसी की इबादत ना कर, सिर्फ मेरी कर बिना देखे। और उसने कहा है कि किसी तस्वीर की भी इबादत या किसी अवतार की भी पूजा उनकी तस्वीर लगाकर करना ये महापाप है। किसने कहा? महाविष्णु ने खुद कहा, तो ये मुसलमान करते हैं। तीसरी बात, महाविष्णु ने कहा तू जद्दोजहद कर, यानी स्ट्रगल कर, यानी जिहाद कर, जैसे को तैसा, ठीक है। तो जहां पर नाइंसाफी होती है, हथियारों से मार दिया जाता है, तो वहां पर ही मुसलमान कुछ जाकर उनको जो है ना हमला आवर होते हैं, मारते हैं, ठीक है। और जहां पर लोग अंधे अंधकार में हैं उनके पास जाके ये लोग प्रचार करते हैं, प्यार मोहब्बत से समझाते हैं। ये क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि उस महाविष्णु ने हुक्म दिया है पूरे ब्राह्मणों को यानी मुस्लिमों को कि तुम अंधकार में जो लोग हैं उनको रोशनी में लाओ। ये जो महाविष्णु का मैसेज है कुरान यानी ओम निर्गुणा ब्रह्मा का जो मैसेज आया है, जिसने शुक्राचार्य यानी शैतान यानी इब्लिस को बनाकर छोड़ा है दुनिया में ताकि अच्छे बुरे लोगों को आजमाया जाए, तो ये मैसेज लेकर जाकर तुम सारे लोगों को बताओ तुम पर फर्ज कर दिया गया है जिहाद, स्ट्रगल, यानी जिहाद मतलब स्ट्रगल। अब स्ट्रगल करना जैसे को तैसे के साथ। अब जो लोग शांति से प्यार से रहते हैं तुम उनके पास जाके हथियार ना चलाओ, बल्कि उनको प्यार मोहब्बत से समझाओ, दिखाओ, नहीं तो मैं नाराज हूँ। किसने कहा? महाविष्णु ने। इसीलिए ये सारे मुसलमान जहाँ पे हथियारों की लड़ाई होती है वहाँ जाके हथियारी लड़ाई करते हैं, जहाँ पर नाइंसाफी हो जाती है कुछ लोगों से वहाँ पर इनके ग्रुप के ग्रुप जाकर हमला आवर होते हैं हथियारों से, और जहाँ पर हथियार नहीं प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं, अमन से रहते हैं, उनमें जाके प्यार मोहब्बत से ये लोग तबलीग करते हैं। तो ये हुक्म है महाविष्णु का कि मिठाई जो दी गई है तुम अकेले ना खा लो, बल्कि इसको बांटो, और इसको बांटो प्यार से मोहब्बत से, दावत दो, ये तुम पर फर्ज कर दिया गया है, इसीलिए मुसलमान ये काम करते हैं। चौथी बात, मुसलमानों को खाने के लिए मालिक ने पेड़ पौधे बनाए, बल्कि मुसलमान मानो सारे ब्राह्मणों को यानी सारे इंसानों को खाने के लिए उस मालिक ने महाविष्णु ने पेड़ पौधे लगाए हैं, झाड़ लगाए हैं। तो आप देखिए जितने झाड़ हैं वो भी लिविंग क्रीचर्स है, झाड़ जो होता है वो भी लिविंग क्रीचर में आता है, ठीक है ना।
वो भी उसमें भी रिप्रोडक्शन होता है, उसमें भी बर्थ होती है, उसमें भी डेथ होती है, समझ रहे हैं आप। तो उसी तरीके से बांस झाड़ों को, जैसा कि एक आम देने वाला झाड़ है, भरा पड़ा है और किसी को तकलीफ नहीं हो रही, उसमें साया मिल रहा है, उस झाड़ को काटना मना है, ठीक है। उसी तरीके से वो झाड़ जो तकलीफ दे रहा है, कांटों भरा है, रास्ते में तकलीफ दे रहा है लोगों को, परेशानी, उसको काट देने का है। उसी तरीके से जानवर भी जो जिंदा हैं, उनमें कुछ जानवर खाने के लिए बनाया है मालिक ने। आप देखिए कुछ जानवर में कौन से जानवर खाना है, कौन से नहीं खाना। वो जो शिकार करते हैं हाथ पैर, अपने मुँह से और हाथ पैर से, वो जानवर नहीं खाना है। जैसे बब्बर शेर है, चीता है, भालू हो गया, कुत्ता हो गया, सांप हो गया, बिल्ली हो गया, ये लोगों को खाना मना कर दिया गया है। फिर कौन से जानवर खा सकते हैं, उसमें कह दिया बकरा खा सकते हैं, गाय खा सकते हैं, बैल खा सकते हैं, भैंस खा सकते हैं, ये बातें हैं। तो उसने इजाज़त दी है, बकरी खा सकते हैं, मुर्गी खा सकते हैं, परिंदे खा सकते हैं, चील नहीं खा सकते, कौवा नहीं खा सकते, और ईगल है वो नहीं खा सकते। तो कौन से जानवर खाना, कौन से नहीं खाना, उसने इजाज़त दी है। इसीलिए मुसलमान जो बकरे हैं उनको उस मालिक ने ख़ास तौर से उसकी राह में शहीद होने के लिए भेजा है। तो जो बकरे हैं जो हर साल कुर्बानी देने का हुक्म है, वो उस महाविष्णु का हुक्म है, इसीलिए कुर्बानी दी जाती है। और उसकी जो आत्मा होती है उस बकरे की, वो निकलकर सीधा जन्नत में चले जाती है, तो उसे मुक्ति मिलती है, समझ रहे हैं आप। वो थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करता है और तकलीफ़ के बाद उसे मुक्ति मिल जाती है। तो वो बनाया ही गया है इसीलिए ताकि वो कुर्बान हो उस महाविष्णु के रास्ते में, यानी अल्लाह के रास्ते में। तो ये तो पुणे का काम है। और ये जो भी कुर्बानियाँ दी जाती हैं बकरों की, ये पलट के फिर वापस मिलेंगे क़यामत के दिन जब होगा, तो वो लोग सवारी बनेंगे पुले सिरात पर, एक बहुत बड़ा बारीक पुल होगा जिसके ऊपर क्रॉस करने के लिए सवारी बनेंगे। तो आप गौर कर लें, किसी को भी जानवर को तकलीफ देके छोड़ देना ऐसे नहीं है, बेवजह किसी को मारना नहीं है, समझ रहे बात। और वो जो जानवर जो कम हो रहे हैं उन्हें भी मारना नहीं है, जैसे कुछ ऐसे जानवर है बेवजह शिकार भी मना कर दिया गया है, महाविष्णु ने मना कर दिया है उस शिकार को जो तुम अपने शौक के वास्ते करते हो, वो महापाप कहा गया है। अपने पेट भरने के लिए तुम थोड़ा बहुत खाते हो उतना शिकार अलाउड है। वो तो आज पोल्ट्री फार्म्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा गोट फार्म्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं, इसीलिए इंसान को जो जानवर कम हो रहे हैं दुनिया में उसको खाना कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। तो महाविष्णु ने ही कहा कि अब तुम अरबी जबान में ही इबादत करो, और काबातुल्लाह की तरफ मुंह करके जब सब नमाज पढ़ते हैं, जो मतलब उसी को सजदा करते हैं, तो किसको कर रहे हैं, उस मालिक को कर रहे हैं, अल्लाह को, अल्लाह को, अल्लाह उसके रसूल को फॉलो करने का हुक्म दिया गया है। यानी अल्लाह ने कहा कि मुझे फॉलो करो और मेरे भगवान को फॉलो करो, यानी अति अल्लाह अति रसूल, यानी अल्लाह को फॉलो करो और मेरे भगवान यानी अवतार यानी रसूल को फॉलो करो, समझ रहे हैं। तो जो आत्मलिंगम जो निशान है, महा शिव का निशान है, तो शिव आएंगे तो वो अल्लाह ताला के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी ओमकार होंगे, यानी खलीफतुल्लाह होंगे। उनको जो उसने फॉलो किया उसने अल्लाह को फॉलो किया, उनका जिसने इनकार किया उसने सारे नबियों का इनकार किया, सारे वेद पुराणों का इनकार किया, कुरान हदीस का इनकार किया, लिहाजा वो जाएगा हमेशा के नरक में, ये लिखा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही। तो आपके जो एतराज़ थे कि सारे मुसलमान, फिर कहो कि सारे मुसलमान को कहो कि संस्कृत में आके इबादत करें, तो संस्कृत एक बीच की जबान हो गई। तो महाविष्णु ने ही यहूदियों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको सम्मानित करने के लिए फिर से अरबिक को, अरबिक के अंदर सारी जबानों को मिला दिया है, ताकि नाइंसाफ़ी ना हो हिंदू से भी, मुसलमान से भी, यहूदी से या ईसाई से, सब खुश हैं और इस अरबिक में सारी जबानों का मिक्सचर हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए
तो ये जो कुरान है ये मुसलमानों की अकेले के लिए नहीं है, ये सारे इंसानों के लिए है, क्योंकि ये महाविष्णु से आया हुआ मैसेज है। तो जो इस मैसेज को ना मानेगा वो तो महापापी हो जाएगा। आप पढ़ के देख लीजिए तो सारे लोग अब ब्राह्मण हो जाएंगे। हाँ, सारे लोग महाविष्णु की इबादत करेंगे उसी की बताई हुई जबान अरबी में, क्योंकि उसी की जबान वहां पर कही जाती है। फिर हिंदू रह क्यों गए दुनिया में, वो खत्म कर देता सबको। फिर ईसाई रह क्यों गए, सबको खत्म कर देता। फिर यहूदी क्यों रह गए, सबको खत्म कर देता। वो तो चाह तो एक सेकंड में सबको बना सकता है, हाँ, लेकिन इम्तिहान रखा है ना उसने। आप तो ऐसी ही बात कर रहे हो जैसे कि इम्तिहान लेने वाला भाई हमारा इम्तिहान क्यों ले रहा है, वो खुद लिख लेना चाहिए ना पेपर। वो आपको शिक्षित कर रहा है, वो आपको सिखा रहा है। आप कितने हुए हो, कितने काबिल हुए, वो इम्तिहान ले रहा है, तो इस इम्तिहान में आपको गुजरना है। ठीक है, तो मतलब ये कि अब सारे लोग अरबी को फॉलो करेंगे, जिससे नफरत करते हैं हिंदूज, जिससे नफरत करते हैं ईसाई, जिससे नफरत करते हैं यहूदी, अब वो मजबूरी के तहत महादेव को फॉलो करेंगे, यानी महदी अलैहिस्सलाम को। ये बात तो हम कभी सोचे नहीं और हमको अजीब सा लग रहा है, हम नहीं करना चाहते ऐसा। ठीक है, आपकी मर्जी, क्योंकि याद रखिए आपके भी अपने मालिक नहीं हैं, आपका मालिक भी महाविष्णु है और उसी की स्वर्ग है और उसी की नरक है। अब आपको किस में जाना है उसने कानून बता दिया है, उसको फॉलो करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एक आदमी को आगाह कर दिया जाता है, देखो उधर गड़ा है मत जाना, जाओगे तो गिर जाओगे, लेकिन वो कहता है मैं जाता हूँ, मेरी मर्जी, जाओ भाई। लेकिन फिर भी सोच लो भाई, क्योंकि जिसने ऐसा कह दिया उसने पाप से नजात पा ली और उसने एक पुण्य का काम कर दिया, और वो गया और गड़े में गिर गया, तो नुकसान किसका होगा। आप लोगों के कन्फ्यूजन को आप बड़ा मत बोलिए, कन्फ्यूजन को हटाइए, मिटाइए, और महाविष्णु ही बड़ा है। अल्लाहु अकबर, वही निर्गुणा ब्रह्मा ओम ये ओंकार ही बड़ा है। अल्लाहु अकबर, वही बड़ा है। अकबर के माने बड़ा के हैं, बादशाह अकबर नहीं। कोई नाम अगर अपना अकबर रख लेता है तो कोई अकबर नहीं हो जाता, कोई नाम अपना विष्णु या शिवा रख लेता है तो असली शिवा या विष्णु नहीं हो जाता। उसी तरीके से अल्लाहु अकबर, तो जो भगवान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवतार के मुंह से जो अल्फाज निकले हैं वो नई भगवत गीता है। गीता मतलब गीत जो मुंह से निकले हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज निकले हैं गीत जैसे लगते हैं, वो तारीफ़ है उस मालिक की, तारीफ कहानियाँ हैं उस मालिक की इस दुनिया के। तो वो हकीकत में शायरी नहीं है। शायरी में होता यह है कि एक तो सच्ची शायरी भी होती है, जो अच्छे लोग अच्छे अल्फाज बोलते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बात को कम अल्फाज में बोल देना, वही शायरी है, पोएट्री जिसे कहते हैं, बड़ी बड़ी बात को दो और चार अल्फाज में समझा देना। तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आखिरी नबी हैं उनको कुंजियाँ दी, तो यानी मतलब उसका कुरान की आयतें, छोटी सी आयत में बहुत बड़ी बात को उसने समेट दिया। ये सच है, लेकिन बाज़ शायर ऐसे होते हैं जो अपनी तरफ से होते हैं, जो शायरी का इलम भी अल्लाह ही देता है, तो वो बाज़ शायर जो झूठ भी बोलते हैं। जैसे कह दिया मैं चाँद चुरा के लाऊंगा, मैं आसमान से सितारे तोड़ कर लाऊंगा, ना वो सितारे तोड़ कर ला सकता है ना चाँद चुरा के ला सकता है, ये तो झूठ हो गया ना। ऐसी शायरी करने वाले भी झूठे हैं, अक्सर हौले बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। तो अल्लाह ताला इस शायरी के ख़िलाफ़ अपनी असल बात को पेश किया है कुरान को। समझ में आ गई बात। तो आप अगर इसको ना मानेंगे तो आप गलती कर रहे हैं, और कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मानो या ना मानो, आपको जो अगर आपको शिव भगवान से मोहब्बत है और अगर आपको ओम निर्गुणा ब्रह्मा महाविष्णु से मोहब्बत है, अगर आप जाना चाहते हैं स्वर्ग में हमेशा के लिए, तो आपको मानना पड़ेगा उस महाविष्णु की बात, और हर मुसलमान को कहना पड़ेगा। क्या है मुसलमान? आपको मुसलमान के लफ्ज से, अरबी लफ्ज से तकलीफ इसीलिए थी क्योंकि आप संस्कृत की ज़बान में देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे और उनसे आप हटना नहीं चाहते, लेकिन जब खुद वही देवी देव
अरबी जबान में आ गए, तो क्या आप अब उस देवी देव को, महादेव को, महदी अलैहिस्सलाम को चाहेंगे जो कि शिव भगवान साक्षात हैं, या फिर वो जबान को चाहेंगे? ज़रा गौर कीजिए, आपको क्या चाहिए? शिव भगवान महादेव चाहिए साक्षात रूप में, या फिर पुरानी भविष्यवाणी में जो उनके भविष्यवाणी वाली जबान है, जिसकी भविष्यवाणी दी गई थी आने की, वो भविष्यवाणी को लेकर आप चाहेंगे? वो भविष्यवाणी की जबान को आप पसंद करते हैं, या साक्षात शिव भगवान और उनके परिवार को? वह आपको सोचना है। तो मतलब ये कि आप में जो एक दूसरे में जो नफरत है, पहले उसको मिटाओ। पहले बोलो भाई, आखिर बात क्या है, किस्सा क्या है? मालिक चाहता है कि आप अपनी अक्ल इस्तेमाल कर आगे बढ़ें। जो आज इतने मुसलमान दुनिया में हुए हैं, ये पहले हिंदूज़ में से आए हैं, ईसाइयों में से आए हैं, यहूदियों में से आए, क्योंकि सब में हुक्म था कि जब इनके बाद जो पैगंबर आएंगे, यानी अवतार आएंगे, उनको मानना जो सच्चे होंगे। लोगों ने नहीं माना और वहीं पर रुके रहे, इसीलिए वो हिंदूज रह गए। फिर उसके बाद यहूदियों को हुक्म था कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए और मसीह आ जाए तो मान लें, वो लोग नहीं माने, वहीं अटके रहे। फिर लेकिन उनमें से जितने अक्लमंद लोग थे, वो मान कर तहकीक करके आगे बढ़ गए। ठीक है, तो दो वैसे रहे, फिर तीसरा मजहब आगे आ गया। मज़हब तो एक ही था, लेकिन वो मज़हब के टुकड़े हो गए। फिर उसके बाद मुसलमानों में से इम्तिहान मुसलमानों पर भी आ गया, क्योंकि अब जो ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम को मानेंगे, वो अच्छे मुसलमानों में से चुने जाएंगे और उनके ग्रुप में आ जाएंगे। यहूदियों में से भी आएंगे, मुसलमान हिंदू में से भी आएंगे, हर कौम में से आएंगे, तो वो सच्चे माने जाएंगे। बाकी के सब मुनाफिक, काफिर और जहन्नुमी, पाताल के सातवें दर्जे पर जाने वाले हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये इम्तिहान सिर्फ हिंदूस पर, ईसाइयों पर, यहूदियों पर है? नहीं, बल्कि आज के मुसलमानों पर भी आ गया है। और मुसलमानों में धुलमाए सू जो हैं, बुराई काम करते हुए, बुरा काम करते हुए हमला किए शिव भगवान पर, महादेव जी पर। तो महादेव ने भी कह दिया कि ठीक है, इनके पाप की लीला, इनकी पाप का भंडार, इनका पाप का घड़ा भर जाने दो। वो बेइज्जती जानबूझ कर बर्दाश्त करने लगे, अभी भी कर रहे हैं, ताकि आखिर इनके पाप की सज़ा तो मिले इनको। उनको पागल कहा गया, अच्छी बात है, पागल ही सही, बुरा है अच्छी बात है, धोखेबाज अच्छी बात है, झूठे इल्ज़ाम ठीक है, जो बोले ठीक है। तो क्या ये एक सच्चे महादेव के साथ इतना पाप करने के बाद क्या ये लोग छूट जाएंगे? ये तो नरक में सातवें दर्जे पर जाएंगे। देखो, हिंदुइज्म में बरज़ख का जिक्र है और सातवें लेवल की दोज़ख का जिक्र भी मौजूद है। तो यही बात कुरान में आती है, समझ रहे हैं बात? सात किस्म की दोज़खें, जहन्नुम। अब ज़रा गौर कीजिए आप, फिर हिंदुइज्म एक है, मुसलमान यानी हिंदुइज्म की जो बातें हैं वही बाइबल में, बाइबल की बातें कुरान में, तो फिर अलग अलग क्यों हैं? अलग ये है कि मालिक ने आखिरी अवतार के बाद, ये आखिरी अवतार नहीं, आखिरी ऋषि के बाद यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उन्होंने ये हुक्म दे दिया कि पांच बार इबादत करे, सुबह, दोपहर, शाम, मगरिब में और ईशा में, रात को पांच बार, फिर रात में उठकर भी, और फिर क्या चीज़ खाना, क्या चीज़ नहीं खाना, कैसे शादी करना, कैसे ज़िंदगी गुजारना है, सब कुछ बता दिया गया। इसको परफेक्ट कानून कर दिया गया, इसको जो फॉलो नहीं करेगा, जो इल्म नहीं रखता, उसमें तबलीग करवाई जाएगी इन लोगों से, समझ रहे हैं आप? ये लाजमी हो गया। अब इसको जो फॉलो नहीं करते हैं, वो जाएंगे नरक में, ये लिखा हुआ है। तो नरक से बचाने के लिए मुसलमान अपने भाइयों को, बहनों को नरक से, दुनिया से, दुनिया के वास्ते नहीं करते। वो कहते हैं कि अल्लाह आखिरत में देगा, हमारा इसका सिला हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया में हुकूमत के लिए नहीं। हुकूमत तो ब्राह्मण राज हो जाए, यानी एक मालिक की हुकूमत हो जाए, तो उनकी ख्वाहिश भी है, जैसा हिंदूस की ख्वाहिश है कि सारी दुनिया में अयोध्या हो जाए, धर्म राज आ जाए, यही मुसलमानों की भी ख्वाहिश है और वो होके रहने वाली बात है। फिर बुराई क्या है? बुराई ये है कि उसकी नाफरमानी हो रही है। महाविष्णु ने कहा कि पांच वक्त इबादत कर, लोग नहीं कर रहे। महाविष्णु ने कहा कि शराब मत पी, जुआ मत खेल, ये शैतानी काम है। महाविष्णु ने कहा तू गंदे काम ना कर, किसी का नाजायज कत्ल ना कर, लड़ाई झगड़े ना कर, फसाद मत मचा, बुराई मत कर,
किसी और की पूजा मत कर सिवाय एक मालिक की बिना देखे। ये लोग काम कर रहे हैं तो झगड़ा इसीलिए हो रहा है। तो क्या आप नहीं चाहते कि दुनिया में सत्य राज आ जाए, सतयुग आ जाए? तो सतयुग आएगा तो महाविष्णु का ही आएगा ना। जरा गौर कीजिए, आप लोग जो समझ रहे हैं कि मुसलमान अलग, हिंदू अलग, ईसाई अलग, यहूदी अलग, ये सब जो हैं कोई अलग नहीं है, ये पूरे एक ही लाइन के हैं। कोई उसके हुक्म की नाफरमानी कर कर वहीं रुक गया और वो जनरेशन चल रहा है, फिर दूसरे का नाफरमानी कर कर वहीं रुक गया, वो जनरेशन चल रहा है। बीच में कुछ पाखंडी झूठे अवतार भी आकर लोगों को गुमराह कर दिए, तो भटक पूरे लोग भटके हुए हैं। अब इन भटके हुओं में से सबको निकाल कर एक असली मसीहा महदी अलैहिस्सलाम के साथ करना है। उसमें जो आएगा वो जन्नत में जाएगा, स्वर्ग में, और जो नहीं आएगा वो ख़त्म। तो आप बताइए कि झगड़ा क्यों है? शिर्क की वजह से। महाविष्णु नहीं चाहता कि किसी और की इबादत हो सिवाय उसके, वो नहीं चाहता कि उसकी नाफरमानी हो, उसके हुक्म जो उसने दिया है उसके खिलाफ कोई जाए। फिर अपनी मर्ज़ी नहीं चलती इम्तिहान में, इम्तिहान लेने वाला हमको चेक करता है, इसीलिए वो इबादत उसने जो हुक्म दिया वैसे करना है, अपनी मर्जी से नहीं। अल्लाहु अकबर। तो मतलब ये है कि पूरी दुनिया देखा जाए तो अब महाविष्णु का राज हो जाएगा, महाविष्णु और उसके अवतार जो महादेव हैं उसका राज होगा, मगर अरबी जबान में। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। फिर हिंदू और ईसाई और यहूदी सबको एक हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। फिर नफरत से नहीं, लड़ाई झगड़े से नहीं, मोहब्बत से, तहकीक से, और एक ही मालिक की इबादत करना चाहिए उसी के बताए हुए तरीके से। किस्सा ख़त्म। बस इतना करेंगे तो मिलेगा क्या? आपको दुनिया में भी राज मिलेगा, दुनिया में भी भलाई मिलेगी, और जब मरने के बाद हमेशा के लिए आपको स्वर्ग में एंट्री हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो? नहीं करेंगे तो उस महाविष्णु ने कह दिया है कि सबके सब नरक में चले जाएंगे जो जो नहीं करेंगे। और नरक में भी अलग अलग दर्जे हैं, लेवल्स हैं, उसमें जाएंगे। अभी देखो, हर हिंदू मानता है शराब बुरी चीज़ है, प्रोस्टिट्यूशन बुरी चीज़ है, वेश्यापन, नंगापन बुरी चीज़ है, ये मुसलमान भी मानता है, ये यहूदी भी मानता है, ये बाइबल, वेद पुराण सब मानते हैं, लेकिन लोग बुरे हैं वो अलग बात है। सिगरेट पीना पाप है, बीड़ी पीना पाप है, गाली बकना पाप है, बार बार उस हरी का नाम लेना है, हर मुसलमान पर फ़र्ज है हरी का नाम लेना, मगर अरबी जबान में अल्लाह अल्लाह करते रहना है, ये करते हैं। तो फिर फ़र्क कहाँ है? फ़र्क ये है कि उसने जो कानून बना दिया कि 5 वक्त उसके सामने सिजदा करना, उसको ही वो नहीं कर रहे हैं लोग, वो करना चाहिए। एक दूसरा, किसी और की पूजा ना करे सिवाय उस मालिक की। बस दो ही काम करना है, बस इतना सा, बस। मगर हम वो संस्कृत में ही करेंगे, हम हिब्रू में करेंगे, हम अरामिक में करेंगे, नहीं, ये उसने खुद कह दिया कि इसी जबान में करना होगा, अरबी जबान में। तो हिंदू देख ले, अरबी जबान में संस्कृत मौजूद है। अरे लफ्ज़ अरबी में ही संस्कृत मौजूद है। अरवा घोड़े को कहते हैं संस्कृत में, स्थान जगह को कहते हैं, अरवा स्थान से अरबस्तान, अरबस्तान में बोले जाने वाली जबान अरबी, अरबी, अरबी कौन सी जबान है? घोड़ों वाले, समझ रहे हैं आप? तो फिर अरबी ही जबान संस्कृत है, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। हाँ, ये बात सही है कि अरबी जबान है ही संस्कृत, असल में पूरी संस्कृत नहीं, इब्रियो भी है उसमें, अरामिक भी है, अलग अलग जबानें हैं बहुत सारी, यानी कई जबानों का मिक्सचर है, यानी किसी को भी अब बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, ये बात तो है। तो फिर ये कुरान जो है इसको तो पढ़ के देखना चाहिए, ज़रूर पढ़ो और फॉलो भी करना है। उस महाविष्णु से मोहब्बत अगर है और उसके भेजे हुए महादेव, कल की अवतार जो महादेव शिव भगवान है, जो कि ईसा मसीह, जेसस क्राइस्ट, सेकेंड कमिंग है, महदी अलैहिस्सलाम है, अगर उनसे मोहब्बत है, उनके परिवार से मोहब्बत है, उनकी अगर आपके दिल में श्रद्धा है, तो फिर आपको फॉलो करना है। नहीं करेंगे तो अरे भाई, मिठाई है ये, खाइए, लेकिन इतनी मिठाई भाई, सेहतमंद लोगों के लिए मिठाई अच्छी चीज़ है। अब जिसको बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, तो वो अलग बात। उसी तरीके से
ये दावत है जन्नत में जाने की, आइए और जन्नत में जाइए, इसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, किसी को मारना नहीं, किसी को बम नहीं मारना, किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं, ये प्यार मोहब्बत का सौदा है। क्यों? अगर वो नहीं जाता है तो वो खुद बहुत बड़ी सज़ा में जा रहा है। अब वो इतनी बड़ी सज़ा में जाने वाला बेचारा, क्या उसको मारना, क्या उसको तकलीफ देना। हो गई बात, छोटी सी बात है। चाहो तो मानो, न चाहो तो ना मानो, लेकिन तहकीक जरूर कर लो भाई, प्लीज़ तहकीक ज़रूर कर लीजिए। तबलीग मतलब अमृत जो निकला है वो प्यार से बांटना है, उसमें कोई धोखा नहीं, उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। तो मतलब अब सारे जो हिंदूज हैं और सारे यहूदी ईसाई सब हैं वो सब मुसलमान हो जाएंगे? नहीं, वो सब के सब महाविष्णु को मानने वाले हो जाएंगे और उनके अवतार महादेव शिव भगवान के इताद गुजार हो जाएंगे। अब आपको अच्छा लगा? हाँ, ऐसा तो अच्छा लग रहा है, मगर यही काम होगा अरबी जबान में, जो कि संस्कृत लफ्ज से ही बनी है अरबी। क्या इससे आप खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं। तो फिर अभी आपका जवाब मिल गया आपको, यही चाहते हैं ना, यही सुनना चाहते थे ना, क्योंकि यही हकीकत है। अब हर तरफ होगा हरिओम हरिओम हरिओम, हर तरफ होगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर तरफ हो जाएगी ओम शांति शांति ओम शांति, मगर अरबी जबान में। यही सुनना चाहते हैं ना आप? जी हाँ, तो फिर खुशी मनाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं सिवाय उस मालिक महाविष्णु के और कोई पूछने लायक, मतलब मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी मोहम्मद अल्लाह के भगवान हैं, यानी अल्लाह के भेजे गए हुए बख्शे जो पैदा होते हैं अल्लाह के रसूल हैं, और वो आखिरी नबी हैं, यानी आखिरी ऋषि हैं, उनके बाद कोई ऋषि नहीं, यानी कोई नए खबरें लेके आने वाला नहीं। दीन मुकम्मल हो चुका है, यानी इस मज़हब मुकम्मल हो चुका है, इसी को फॉलो करना है। अभी आप खुश हैं? हाँ, सारी दुनिया में अब महाविष्णु की पूजा होगी, लेकिन तस्वीर बनाकर नहीं होगी, वो पाप है। हाँ ठीक है, और सबके सब अरबी यानी संस्कृत में ही बात करेंगे। हाँ सही, संस्कृत जो कि अरबी है। हाँ ये बात है, तो हर तरफ अब हर तरफ प्यार मोहब्बत हो जाएगा। हाँ कोई लड़ेगा नहीं मजहब के नाम पे, नहीं कोई पैसा अपने पास जमा करके दूसरों को भूखा नहीं रखेगा, नहीं सब लोग प्यार मोहब्बत से बांट के खाएंगे सब कपड़ा। फिर मिटेगा क्या दुनिया से? बुराई, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, कौन से नशीले वाले चीज़ें, नशा करने वाली चीज़ें, वेश्यापन, नंगापन, झूठ, फरेब, धोखा, ये मिट जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मतलब अगर विष्णु चाहा, महाविष्णु यानी निर्गुणा ब्रह्मा ओम अगर चाहा तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, उसका तो वादा है, तो ये तो अच्छी बात है। हाँ तो फिर दुनिया में भी तो पैसा चाहिए, सबको मिलेगा, इतना मिलेगा कि वो खा पी के खुश रहेगा और अपने बच्चों को अपने परिवार को अच्छा देख सकेगा, वो जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगा, वो जो चाहे खा सकेगा जैसे चाहे। क्योंकि जो असल जो शैतान हैं समाज को खाने वाले, वो चंद चीज़ें हैं, शराब, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, नशे वाली दवाएँ और वेश्यापन, नंगापन। ये चीज़ जो सांप है खा रही है, जो शैतान बने हुए, इसको हटा दिया जाएगा तो फिर हवस, एक के पास एक घर है तो उसके चार बच्चों को घर रखता है, लेकिन और 100 घर बना के रख लेता है, वो लालच को भी मिटा दिया जाएगा, बेवजह लालच वो सब में बांटा जाएगा। तो यही तो है सतयुग, सत्य का राज, एक ही मालिक की इबादत होगी। अभी तो खुश हो तो कहो फिर हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, लेकिन अरबी जबान में कहो, मेहदी अलैह सलाम, ईसा मसीह मेहदी अलैह सलाम, महाविष्णु यानी महा मतलब बड़ा,
विष्णु मतलब वो बचाने वाला सबसे बड़ा, यानी अकबर, अल्लाह, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह बहुत बड़ा है, उसके माने महाविष्णु के। अब आप संस्कृत में बोलो परफेक्ट संस्कृत जो कि अरबी है हकीकत में, अल्लाहु अकबर, हो गई बात, तो झगड़ा ख़त्म। हाँ लेकिन ये सच है, ये सच है या झूठा आप तहकीक कर लीजिए, आपको क्यों झूठ बोलेंगे। आप भी तो इंतज़ार में थे ना शिव भगवान के, दत्तात्रेय के रूप में आप खुद कन्फ्यूजन्स में थे, मैंने कन्फ्यूजन्स तो हटा दिया ना, अब क्या प्रॉब्लम है। तो मतलब ये है कि उस महाविष्णु ने इंसाफ किया, पहले जो अरबी जबान आसमान में बोली जाती थी वो जबान के टुकड़े टुकड़े ज़मीन पर पहले आए, ठीक है, उसमें संस्कृत भी है, उसमें हिब्रू भी है, उसमें अरामिक भी है, उसमें पाली लैंग्वेज, उसमें कई किस्म की ज़बानें हैं, फिर उसके बाद उसने आखिर में अवतार को ऋषि को भेजकर आखिरी ऋषि के ऊपर अरबी ज़बान में परफेक्ट वेद पुराण को, यानी फिर से वेद और गीता को उसने उतारा। हाँ फिर उसमें उसने कह दिया कि महादेव आएंगे आएंगे और काली युग का खात्मा करेंगे, तो ठीक है मेहदी अलैहिस्सलाम आ गए, अब उनको फॉलो करना होगा और उसी की इबादत करनी होगी, बस इतना सा।